जाकर देखो क्या हुआ, जाकर देखो वो क्या कह रही है, जाकर देखो वो क्या कर रहा है, जाकर देखो वो कहाँ है। जुमलों में हम कह रहे हैं जाकर देखो, यानी हर सेंटेंस में जाकर देखो कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गो एंड फाइंड आउट। गो एंड फाइंड आउट मीन जाकर देखो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन, गो एंड फाइंड आउट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा आवर। गो एंड फाइंड आउट मीन जाकर देखो। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसा। जाकर देखो क्या हुआ, गो एंड फाइंड आउट व्हाट हैपन। गो एंड फाइंड आउट व्हाट हैपन। गो एंड फाइंड आउट मीन जाकर देखो। व्हाट हैपन मीन क्या हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जाकर देखो वो क्या कह रही है। गो एंड फाइंड आउट व्हाट शी इज सेइंग। गो एंड फाइंड आउट व्हाट शी इज सेइंग। गो एंड फाइंड आउट मीन जाकर देखो। व्हाट शी इज सेइंग मीन वो क्या कह रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जाकर देखो वो क्या कर रहा है। गो एंड फाइंड आउट व्हाट ही इज डूइंग। गो एंड फाइंड आउट व्हाट ही इज डूइंग। जाकर देखो वो कहाँ है। गो एंड फाइंड आउट वेयर ही इज। वो लाहौर के लिए निकल पड़ा, वो काम के लिए निकल पड़ा, वो खेलने के लिए निकल पड़ा, वो स्कूल के लिए निकल। इन जुमलों में हम कह रहे हैं निकल पढ़ना, यानी हर सेंटेंस में निकल पढ़ना कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सेट आउट टू। सेट आउट टू मीन निकल पढ़ना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन, सब्जेक्ट प्लस सेट आउट टू प्लस वर्ब प्लस आई एन जी या नाउन प्लस अदम वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। वो लाहौर के लिए निकल पड़ा, वो लाहौर के लिए निकल पड़ा। ही सेट आउट टू लाहौर। ही सेट आउट टू लाहौर। वो काम के लिए निकल पड़ा। ही सेट आउट टू वर्क। ही सेट आउट टू वर्क। वो खेलने के लिए निकल पड़ा। ही सेट आउट टू प्लेइंग। ही सेट आउट टू प्लेइंग। वो स्कूल के लिए निकल पड़ा। ही सेट आउट टू स्कूल। ये सरासर नाइंसाफी है, ये सरासर बदतमीजी है, ये खबर सरासर अफवाह है, ये सरासर गलत है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सरासर, यानी हर सेंटेंस में सरासर कामन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन आउट एंड आउट। इन आउट एंड आउट मीन सरासर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस इन आउट एंड आउट। ये फार्मूला है दैट मीन सरासर प्लस अदम वर्ड। ये सरासर नाइंसाफी है। दिस इज इन आउट एंड आउट इनजस्टिस। दिस इज इन आउट एंड आउट इनजस्टिस। बिल्कुल फार्मूले के मुताबिक हम जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये सरासर बदतमीजी है। दिस इज इन आउट एंड आउट इंश्योरेंस। दिस इज इन आउट एंड आउट इंश्योरेंस। ये खबर सरासर अफवाह है। दिस न्यूज इज इन आउट एंड आउट रमा। दिस न्यूज इज इन आउट एंड आउट रमा। ये सरासर गलत है। दिस इज इन आउट एंड आउट रॉन्ग। तुम कुछ कुछ
दुखी हो, वो कुछ कुछ नाराज है, वो आज कुछ कुछ खुश है, वो कुछ कुछ लापरवाह है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं कुछ कुछ, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में somewhat। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस somewhat प्लस adjective। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम कुछ कुछ दुखी हो, यू आर somewhat sad, यू आर somewhat sad। वो कुछ कुछ नाराज है, ही इज somewhat angry, ही इज somewhat angry। वो आज कुछ कुछ खुश है, ही इज somewhat happy today, ही इज somewhat happy today। वो कुछ कुछ लापरवाह है, ही इज somewhat careless। खाने से पहले हाथ धो लो, सोने से पहले चाय मत पियो, जाने से पहले खाना खा लेना, बोलने से पहले सोच लिया करो। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पहले। पहले के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है बिफोर। पहले के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है बिफोर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। वी वन यानी मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। खाने से पहले हाथ धो लो, वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। सोने से पहले चाय मत पियो, डोंट हैव टी बिफोर स्लीपिंग, डोंट हैव टी बिफोर स्लीपिंग। जाने से पहले खाना खा लेना, जाने से पहले खाना खा लेना। हैव मील बिफोर गोइंग, हैव मील बिफोर गोइंग। बोलने से पहले सोच लिया करो, बोलने से पहले सोच लिया करो। थिंक बिफोर स्पीकिंग, थिंक बिफोर स्पीकिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्रिकेट खेलने से पहले जूते पहन लो, क्रिकेट खेलने से पहले जूते पहन लो। सब्सक्राइब इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मंदना।